कर बैठो। सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं गोहाना में हूँ और संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं। आज यहाँ पे मीटिंग थी और मीटिंग में बड़ी ओलपेल माची, खूब हाहू हल्ला भी हुआ। बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। सर आज कोई खास विशेष मीटिंग थी यहाँ पर? नहीं, आज बिजली से संबंधित समस्याएं जो हैं उनको सुनने के लिए बिजली मंत्री हमारे चौधरी रंजीत सिंह जी वो स्वयं आए हुए थे जी, और हम सब लोग थे क्योंकि वो हमारे गठबंधन सरकार के अंदर हमारे मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत कई साल पुराना उनसे नाता है। मुझे बिल्कुल अपने बच्चे और छोटे भाई की तरह मानते हैं, तो एक वो विशेष कारण भी था। और मैं सोनीपत जिले का प्रभारी हूँ, वो मेरा दायित्व भी बनता था उनके लिए आने का। दो ही प्रश्न है जी आज। एक प्रश्न तो ये, जो किसानों की समस्याएं थी उनका कहना था जी 15 दिन में हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन लगवा दो, उसके बाद वो जेनवन उनकी जेनवन, उसके बाद तो फायदा ही नहीं है उनका। जेनवन परेशानी है किसानों जी, की जी। और मैंने सुनी, आपने नोटिस भी किया होगा, मैंने उनके लिए बात भी रखी जी, माननीय बिजली मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी करी। वो बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी मैंने कहा कि थोड़ा बहुत अधिकारी पेशेंस के साथ, क्योंकि देखो किसान के लिए फसल बिजाई से बड़ा जरूरी काम कुछ नहीं होता जी। और आज आप समझते हैं फसल बिजाई का टाइम है और पानी की जरूरत है, थोड़ा बहुत पानी की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे आग्रह भी किया किसानों से, थोड़ा फसल का चक्कर बदलें, खेती फसल और बदलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हरियाणा में धान की खेती होने लगी है, और धान उगाने के लिए मैं समझता हूँ जितनी कीमत में धान बिकता है उससे ज़्यादा उसको उगाने में पानी लग जाता है, उससे ज़्यादा कीमत का। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की कीमत नहीं है, पानी फ्री है, इसलिए हम उसका महत्व नहीं समझ रहे। लेकिन दुनिया के किसी देश के अंदर भी पानी को बचाने के लिए उन्होंने धान की खेती करना बंद कर दिया, वो हमारे जैसे देशों से मंगाते हैं। लेकिन हमारी जरूरत का धान जो हमें चाहिए वो हमारे देश में पर्याप्त उगता ही है, सरप्लस ना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं थोड़ा बहुत आप फसल बदलें, और उसके लिए उन्होंने इंसेंटिव भी दिया है। अब फसल बदलेंगे 7,000 रुपये एकड़ का आपको सरकार की तरफ से भी। कुछ किसानों की समस्या ये भी थी जी, हम अनपढ़ हैं, अधिकारी दोहरे जावा ढंग सर बातें नहीं करते। वो बात भी मैंने आपके सामने, अगर आपने रिकॉर्ड की होगी तो वो बात मैंने रखी कि कम से कम देखिए ये तो हमारे हरियाणा का मूल स्वभाव है, आप बैठ पानी पी और उसकी बात सुने। अगर आप किसी अधिकारी कोई बैठा हो कोई बात भी सुन लेगा ना, उसको इतना धैर्य हो जाता है कि यार मेरी बात को सुना है, अगर होने वाला काम है तो वो कर देगा। इतना भी धैर्य अगर क्या हो जाए किसान को तो वो पेशेंस नहीं खोता। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने तो मजाक के लहजे में कह भी दिया कि आप बीपी की गोलियां बांटो, अधिकारी अधिकतर गुस्से में रहते हैं कोई भी काम के लिए चला जाए, और वो बात व्यक्तिगत रूप से सबने मिलकर कही भी है। मैं तो क्योंकि ग्राउंड का आदमी हूँ, प्रैक्टिकल बातों को जानता हूँ, मौके पर किसानों को क्या दिक्कत आती है, तो मैंने वही बात सबके सामने। दूसरा प्रश्न मैंने ये है, जो अभी पीटीआई वाले कर्मचारी यहाँ पर आए थे, हाँ जी, उनको कैसे आपने सॉर्ट आउट किया उनकी प्रॉब्लम्स? मैं पीटीआई जो आए अपने भाई बहन हैं, और मैं उनके बीच में पहली बार नहीं आया जी। जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके अगेंस्ट आया जी, तो मैं उनका वकील बन के उनका पक्ष रखने, या आपने आप अंदर थे शायद आपने देखा नहीं जी, बाकी सबने उसको रिकॉर्ड भी किया जी। तो मैंने उनका पहले भी पक्ष रखा, मेरे से वो संतुष्ट थे, वो कह रहे थे नहीं हम आपसे संतुष्ट हैं, आपने तो 1.5 महीना हमारा साथ दिया है, और मैंने पूरा प्रयासरत होकर व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके भी, और आज भी मैं, इनको मालूम नहीं था ये जिले की टीम आई हुई थी, इनके नवीन मलिक प्रधान थे जो इनके प्रदेश के प्रधान है, मेरी उनसे भी चर्चा हुई, जो पीटीआई टीचर्स को मेरे से मिलाने वाले थे जगबीर भाई मेरे मित्र हैं, वो भी सोनीपत के हैं, भैंसवाल गांव के हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। मैं इनके केस को अभी भी परस्यू कर रहा हूं, लेकिन एक केस हाई कोर्ट में जो रिलीविंग के खिलाफ ये गए थे उसमें भी इनको रिलीफ नहीं मिला। अभी इन्होंने रिव्यू पिटीशन, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसकी रिव्यू पिटीशन इन्होंने 22 तारीख को डाली थी, अभी उसके अंदर भी कोई हियरिंग इनकी अभी डिस्कशंस नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि 8-8, 10-10 साल से काम कर चुके हैं, आज नए सिरे से नौकरी छूट जाने का दुख मैं मानता हूँ, किसी का रोजगार चला जाए जी, वो उनका प्रदर्शन करना, उनका विरोध करना वो उनका राइट है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन मैं दिल से उनके साथ, मेरे को सहानुभूति है, और मैं जितना भी हो सकता है जी, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये रिव्यू हो जाए और कोर्ट इसको रिव्यू करे ताकि सरकार भी कुछ करने में सक्षम हो पाए। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। तो भाई ये एक छोटी सी बाइट मैं ले पाया और छोटी सी एक राय ले पाया मैं यहाँ पे, तो अब देखते हैं भाई ये मुद्दा कहाँ तक जाता है, कहाँ क्या बातें होती है, क्या कुछ होता है, क्या कुछ समाधान होता है। या मिठो गोली दे दी भाई। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।